हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, अगर आपने इस बार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, इस बार आप यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक काम कर लो कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि भाई यूपी बीएड में एडमिशन एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, काउंसलिंग होती है, आप कॉलेज चूज़ करते हैं, फिर कॉलेज अलॉट होता है, फिर फीस सबमिशन होता है, और आपकी रैंक जो बनती है ना, उस रैंक के हिसाब से एक डेट डिसाइड होती है कि इतने से इतने रैंक वाले इस दिन कॉलेज अलॉट होगा, इस दिन फीस होगा। अगर आप उस डेट से बाहर हो जाते हैं, मतलब डेट के अंदर आप अपना फीस सबमिशन या कॉलेज अलॉट नहीं करते हो भाई, तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है, वो सीट दूसरे को दे दी जाती है। तो ऐसी गलती ना करें, चूके ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप अपडेटेड रहें। बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चल पाता है कि कब उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, मतलब डेट चला गया है या अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे पछताते हैं। तो अपडेट रहेंगे भाई, चैनल पर सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट दी जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल अपडेट दी जाती है। तो चैनल पे अगर नए हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी बीएड के सभी छात्रों के लिए जिन्होंने इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अपडेट बताने से पहले, आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पेट में फॉर्म डाला है, तो आप सभी को पता होगा कि कल पेट एग्जाम का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 18 सितंबर के बजाय, अब आपकी परीक्षा जो है वो अक्टूबर माह में कराई जाएगी। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया भाई, तो क्यों ना रणनीति बनाकर सही दिशा में सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करना है, क्या पैटर्न होगा, किस लेवल की एग्जाम होंगे, क्या क्या पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, या फिर बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो इस सबके सवालों के जवाब दोस्तों खत्म होने वाले हैं। आपके यहां पर हमारे द्वारा एक तैयार किया गया क्रैश कोर्स, इसकी कीमत 149 रुपये रखा गया है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना, 70+ अंक नहीं गए कहीं भी, अगर सिर्फ इसको पढ़ते हो और एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइव क्लासेस हमारी ले लो, शाम 7 बजे चलती है लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो, पढ़ते हो, तो भाई 90+ अंक आराम से गेन कर सकते हो इस कोर्स की मदद से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को जरूर परचेज करो, कीमत मात्र 149 रुपये है। कंप्लीट सिलेबस, ग्राफ, तालिका, गद्यांश, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, सबके नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको रट लो, याद कर लो भाई, अच्छे अंक आप प्राप्त कर लोगे पेट परीक्षा में। 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक इसको बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इसको परचेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें पेट का कोर्स चाहिए, नोट चाहिए, पेमेंट कैसे करना है डिटेल बता दीजिए, तो वहां पर आपको सही डिटेल दी जाएगी और वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो देखने के बाद में आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर आप पेट के छात्र हो, पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये नोट जरूर परचेज करिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आते हैं दोस्तों खबर पर। दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह अभी आपको एक वीडियो बना के बताया था कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है काउंसलिंग की, और काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट भी बताई थी उसमें, और आपको ये भी बताया था कि काउंसलिंग जिसने इस बार बीएड में अपेयरिंग में फॉर्म डाला था, यानी फाइनल ईयर था जिनका और फॉर्म डाल दिया था, आपकी एग्जाम नहीं हुआ था बीए ग्रेजुएशन का, तो भाई ऐसे छात्रों को अब काउंसलिंग के टाइम में, अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग के टाइम में आपको अपना रिजल्ट या फिर मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर मार्कशीट नहीं मिली है, रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी निकाल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लो, मोहर लगवा लो कॉलेज जाकर, और उसके बाद उसको अपलोड करो, तभी जाकर आपका काउंसलिंग हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे छात्र परेशान हो गए, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, कैसे फिर काउंसलिंग करवा पाऊंगा। तो इसी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी राहत निकल के राहत मिली है विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों, अभी अभी यहां पर आपको खबर मिल रही है। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, कितने अंक हैं, कितने रैंक हैं, कौन कॉलेज मिलेगा, आप मुझसे वहां बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, मुझे फॉलो कर लो, वहां पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हो अगर बीएड से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों बहुत बड़ी राहत निकल के आई, फाइनल ईयर के परिणाम आने के बाद शुरू होगी काउंसलिंग। मैंने सुबह आपको बताया था एक्सपेक्टेड डेट जो बताई गई थी उसको भी दिखाया था, अखबार भी दिखाया था कटिंग, जिसमें बताया गया 10 अगस्त से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही समस्या बहुत सारे छात्रों की आई कि रिजल्ट नहीं आया, तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों फाइनल ईयर के परिणाम आने के बाद शुरू होगी काउंसलिंग। पूरी खबर पढ़ते हैं, रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया टल सकती है। विश्वविद्यालय की मुताबिक प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के परिणाम जारी होने के बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम में सभी अभ्यर्थियों के रैंक आवंटित की गई है। विश्वविद्यालय ने अब तक तय शेड्यूल के मुताबिक ही सारी प्रक्रिया पूरी की है, अब काउंसलिंग होनी है। इसमें अभ्यर्थियों को स्नातक अंतिम वर्ष के प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अब कंपलसरी है दिखाना, लेकिन अभी कई विश्वविद्यालयों ने स्नातक के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी की सभी विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने तक काउंसलिंग टाली जा सकती है, क्योंकि भाई 10 तारीख एक्सपेक्टेड डेट बताया था विश्वविद्यालय ने कि हम 10 अगस्त से 6 अगस्त को
5 अगस्त को हम रिजल्ट देंगे, 10 अगस्त से हम काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब रिजल्ट ना आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि 10 अगस्त को नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हालांकि काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय नियमावली तैयार कर रहा है, तो दोस्तों आप सबको काफ़ी राहत मिलेगी इस चीज़ से जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, और उनका रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगा। मैंने बोला था कि टाइम मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि सर कैसे होगा, अब रिजल्ट तो आया नहीं है तो काउंसलिंग कैसे होगी, तो आप टेंशन की बात नहीं है, जब तक आप सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक 1 हफ्ते 10 दिन के लिए काउंसलिंग जो है वो टाल दी जाएगी। अगर 10 तारीख को होने वाली थी तो 15-20 अगस्त तक ये काउंसलिंग अब कहीं स्टार्ट होगी, तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी, अपडेटेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसा मत करिए भूल जाइए कि रिजल्ट आ गया, भूल जाओ भाई तो भूल जाओगे तो सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगले साल ही करवा पाओगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, जैसे ही कोई डेट आती है काउंसलिंग की वैसे ही आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हो रिजल्ट को लेकर अपने, या मार्क्स को लेकर, या प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस नंबर पर आप पेट कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हो, सिर्फ बीएड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी यहां पर, तो अगर पेट के लिए इंटरेस्टेड हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो इस कोर्स को जरूर परचेज करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच।